नमस्कार, स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको 9 अगस्त को हुए रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछे गए जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नई वीडियोज़ के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर की एसआई यूनिट क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, पावर की एसआई यूनिट है वाट। इसको एक तरह से और पूछा जा सकता है कि वाट को जूल में कन्वर्ट करें, तो वाट इक्वल टू 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। तो इसको दोनों तरह से आप याद कीजिए। पावर और एनर्जी के बीच में कन्वर्जन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? तो इसका आंसर आएगा, 1 किलोवाट आवर्स में 3.6 × 10^6 जूल्स होते हैं। तो आप इस तरह के कन्वर्जन्स को ध्यान में दें और इस तरह के याद कर लें, ये फ्यूचर्स के एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज इन ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो इसमें आंसर आएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम। आपसे एसआई यूनिट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप रेजिस्टेंस, करंट, कैपेसिटेंस, इस तरह की सभी एसआई यूनिट्स को याद कर लें। रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इफेक्ट ऑन करंट। जब रेजिस्टेंसेज को हम सीरीज में कनेक्ट कर दे तो उसका इफेक्ट करंट पर क्या पड़ेगा? इसके लिए फार्मूला होता है वी इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यूज ऐड हो जाती है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसमें आंसर आएगा, करंट विल डिक्रीज, आंसर ऑप्शन बी। आपको इस तरह से और पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में कि रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसका इफेक्ट करंट पर क्या होगा, वोल्टेज पर क्या होगा, या हम करंट या वोल्टेज को इंक्रीज करें तो उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या होगा। तो आप हर तरह से इसको अपने क्वेश्चंस को तैयार कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मून आर इन द जुपिटर? जुपिटर ग्रह के टोटल कितने मून है? रिसेंटली जुपिटर ग्रह के अराउंड 12 नए मून खोजे गए हैं, तो टोटल इनकी संख्या 79 हो चुकी है। ये एक तरह से जनरल करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वे के लिए निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? तो इसमें आंसर आएगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनको भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कानून की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में ये पुरस्कार मिला? तो इसमें आंसर आएगा, 1922, 1922 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसमें आंसर आएगा, NaSCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम फॉर विटामिन B12? तो इसमें आंसर आएगा, विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस में घुलता है? तो इसमें आंसर आएगा, सोना एक्वारेजिया में घुलता है। एक्वारेजिया से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया, एक्वारेजिया जिसे अम्लराज भी कहते हैं, में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का की रेशो क्या है, कि इसका क्या अनुपात है? तो इसमें आंसर आएगा, एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रेशो है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर में कौन सा एसिड होता है? तो इसका आंसर आएगा, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी जोन के साथ साथ स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। आप YouTube के साथ साथ हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।